से 2 हफ्ते पहले सडनली काम करते करते एकदम से बेहोश हो गए, और जब ये हमारे हॉस्पिटल में आए ही वॉज इन कम्प्लीट शॉक विद मल्टी ऑर्गन फेलियर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है, आई एम इंटेंसिविस्ट हेयर इन अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा, एक बड़ा यूनिक और बड़ा रेयर केस है ये। ये हमारे साथ मंजीत जी हैं, ये कठुआ से हैं, ये एक किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, एंड आज से 2 हफ्ते पहले सडनली काम करते करते एकदम से बेहोश हो गए ये, अपने वर्कर्स के अपने और पुलिस के साथ भी थे। और जब ये हमारे हॉस्पिटल में आए ही वॉज इन कम्प्लीट शॉक विद मल्टी ऑर्गन फेलियर, किडनीज काम नहीं कर रही थी, गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, सांस में दिक्कत थी, बीपी बिल्कुल नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, एंड समहाउ विद ऑल सपोर्टिव मेजर्स वी स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी मोस्ट प्रोबब्ली कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग। सो अकॉर्डिंगली उसी लाइन पे हमने ट्रीटमेंट इनका शुरू किया। उसके लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत थी, जो लकीली हमारे साथ हैं, इज डॉक्टर राकेश भट्ट, एंड फिर इनके साथ इनकी सुपरविजन में वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट एंड ही अंडरवेंट मल्टीपल डायलिसिस, एंड आई थिंक डॉक्टर राकेश आपको अच्छे से बताएंगे और क्या। हेलो सर, थैंक्स फॉर द ग्रेशियस इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर राकेश, और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट की तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये जो पेशेंट थे ये सस्पेक्टेड कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग थे विद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, हेमोलिटिक एनीमिया, सीवियर एन्यूरिया, ऑलमोस्ट नो यूरिन आउटपुट, और इनको लिवर फेलियर काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया था। इनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और लंग इन्वॉल्वमेंट जब पेशेंट की हो जाती है तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। इस स्टेट में आके हमने पेशेंट को एडमिट किया एंड पेशेंट वॉज स्टार्टेड ऑन एंटी पॉइजन थेरेपी, प्लस हमने इनका एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डायलिसिस जिसे हम हीमोफिल्ट्रेशन कहते हैं वो शुरू किया। डेली डायलिसिस ऑलमोस्ट हम करते रहे, पेशेंट का भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा, ही फॉलोड ऑल ओवर इंस्ट्रक्शंस एंड वी वर एबल टू almost improve the patient quite remarkably within a period of only 2 weeks. आज patient काफ़ी improve हो चुका है, luckily his urine output has also increased as we had already planned that within a period of 2 weeks his urine output should increase. वो हुआ है, patient का output अब 0 ml जो कि 24 घंटे में बिल्कुल भी urine pass नहीं कर रहे थे अब 600-700 ml आ गया है। patient is being planned for discharge, और मंजीत जी आपको आगे बताएंगे कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। मंजीत कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे, मेरे को तो पता नहीं था मैं जीऊँगा मरूँगा, सीधी सी बात है। डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर राकेश भट्ट साहब ने मेरे को नई जिंदगी दे दी, इनके कारण मैं थोड़ा खड़ा हो सका हूँ, नहीं तो मेरा क्या होता, अभी तो जिंदगी जीनी है। नहीं अभी आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, इसको भूल जाओ, क्यूट एपिसोड की तरह भूल जाओ। थोड़े दिनों में आपके जो किडनी के टेस्ट वैसे नीचे आने शुरू हो गए हैं, यूरिन बाप का 600-700 आ गया है, आई थिंक विद इन नो टाइम, विद इन अ वीक्स टाइम इट विल बी परफेक्टली नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी आपकी, राइट। और अमनदीप हॉस्पिटल का जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है, उन्होंने बहुत अच्छे से केयर की है मेरी। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आए उसे बचा के भेजो, इसी बात है। चलिए इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है ये अराउंड 200 किलोमीटर्स में इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है। सो प्लीज़ खास करके जितने भी पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग या बाइट्स, स्नेक बाइट्स, ऐसे कुछ भी पेशेंट्स जो मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ लैंड कर जाते हैं, तो उनके लिए दरख्वास्त है प्लीज़ आप टाइमली हमारे हॉस्पिटल में पहुँचिए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली बिकॉज वी हैव ऑल काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट विद अस, ऑल काइंड ऑफ इंटेंसिव केयर टीम विद अस, 24/7 विद अस, ठीक है, 24 घंटे हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ पे रहते हैं। सो डेफिनेटली वी हेल्प यू इन केस यू रीच इन टाइम। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि बिकॉज एज दिस पेशेंट रिक्वायर्ड स्पेशल फॉर्म ऑफ डायलिसिस, दिस टाइप ऑफ डायलिसिस इज नॉट अवेलेबल अक्रॉस यू कैन से इन अ पैरामीटर ऑफ 200 किलोमीटर्स, जिस डॉक्टर सौरभ ने कहा, एंड प्लस मोर पेशेंट्स हु हैव एक्यूट किडनी इंजरी, जिनको किडनी का एकदम से इंजरी हुआ है चाहे वो किसी भी कारण से हुआ है, उनका रिकवरी टाइम क्विकर होता है, उनका डेथ का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम रहता है और मॉर्बिडिटी रेट भी कम रहता है अगर वो तुरंत और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आए, और ऐसे हॉस्पिटल में आए जहाँ पर ऐसी डायलिसिस और इस ऐसा सपोर्टिव मेजर्स का फैसिलिटी अवेलेबल हो। अब वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट आवर इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूट इन इट्स विसिनिटी which can carry such type of patients which have both multiple organ dysfunction
acute kidney injury plus critical care requirement which can be fulfilled on a multi-specialty basis. I hope हर किसी जो भी ऐसे खासकर ऐसे critical patients चाहे वो bites के patient हो, poisonings के patient हो या generally किसी भी तरीके का acute kidney injury हो वो तुरंत अपने समय को बचाते हुए hospital पहुँचे ताकि उनका मंजीत की तरह उपचार हो पाए. इसका ये ही सो जैसे हम कहेंगे afraid because one of his colleagues unfortunately passed away who had suffered the same episode. So again this is a sort of wild warning for everybody कि आप अपना जो इलाज है उसको गंभीर रूप से लें, उसका सीरियसनेस समझें और अपना इलाज तुरंत से तुरंत करवाएं. थैंक यू.